फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आप सबने आपने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था कि वो एले छिले की रेसिपी देखने के बाद कि और भी मुझे रेसिपी का वीडियो देखना है, तो ये लो मैं अपने किचन में फिर से आ गई एक नई रेसिपी लेके। ये भी बहुत क्विक बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा, जो आप राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एक मसाला सब्जी विथ सनराइज सब्जी मसाला। तो ये बहुत टेस्टी डिश शायद बनेगा, क्योंकि ये मेरे पहली टाइम में बना रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसे मैं शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ पर देखा ये सब्जी मसाला मिल रहा है, तो मैंने सोचा अच्छा ना इसको खरीद लेते हैं और खरीद के इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये सब्जी मसाला के साथ, सनराइज सब्जी मसाला के साथ। तो चलिए देखते कैसे बनता है। आई होप ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे कोई सीजनल वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास है, जैसे पॉइंट गार्ड जैसे आपका परवल, आलू, पटेटो, मीन्स कैरेट, आप अगर इसमें कैबेज भी डालना चाहते हो, कोई भी लीफ वेजिटेबल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। देयर इज़ नो एनी बाउंड्रीज टू, मीन्स आप कुछ भी डाल सकते हो, पालक भी डाल सकते हो, एनीथिंग यू विश। सो हम लोग आज इसको बना रहे हैं, जैसे पम्पकिन, जैसे हम आज बना रहे पम्पकिन, कैरेट, पटेटो, पॉइंटेड गॉर्ड, ये सब के साथ बना रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द रेसिपी। तो जैसे सबसे पहले हम इंडक्शन को ऑन करेंगे और टेम्परेचर सेट करके इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, मीडियम हीट पर रखेंगे। तो उसके बाद पैन को थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें ऑयल को डालेंगे। तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जाएंगे सारे सीजनल वेजिटेबल्स। तो चलिए डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे।
हम लोग इसको फिर से ढक देते हैं ताकि सारी मसाला का जो फ्लेवर है वो इस डिश में अच्छी तरह से खुल जाए, सारी सब्जी मसाला की जो फ्लेवर है वो पी ले और ये सारी अपने जूसेस में ही अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो अभी हम लोग इसको कवर को उठा के देख लेते हैं, नहीं तो बीच बीच में देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि नीचे से वो ज्यादा फ्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे हम लोग कैसे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो भी जूसेस है वो ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत है। सब्जी को हम ब्रेक करके देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये बॉईल हो गया। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी डिश में मिठास भरने के लिए बहुत अच्छी होती है। चीनी सारी सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मिक्सअप हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी। सब्जी मसाला सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं इस स्टेज पे, जैसे आप देख सकते हैं इस स्टेज पे थोड़ा सा जूसी इस स्टेज पे हम लोग अवन को ऑफ करेंगे क्योंकि कूल होने के बाद ये और थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पे इसको करेंगे ऑफ। अब हम इसको थोड़ा स्टैंडिंग टाइम देंगे, तो इसको ढक के रख देंगे ताकि जितने भी सब्जी की जो भी स्पाइसेस है वो उसका जो फ्लेवर है वो सब्जी के अंदर तक जाएगा और इसको एक बहुत टेस्टी डिश बनाएगा। तो अभी हम लोग इसे उठा लेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लेट करेंगे। तो हमारा डिश रेडी, मैंने प्लेट भी कर दिया और ये है उसका फाइनल लुक। तो ये डिश मुझे लगता है बहुत टेस्टी बना है, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो मैं इसे खा के थोड़ा देख लेती हूँ कैसा बना है। तो मैं टेस्ट कर लूँ, ये थोड़ा गर्म है। यम्मी, बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी घर पे बनाइए ये डिश, और अगर बनाया हो मुझसे पहले अगर आप लोगों ने बना लिया है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा बना है, आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग ये फ्यूचर में बना रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा बना है। ओके, तो चलिए वीडियो यहाँ तक ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को 9:15 AM को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये डिश खा के दे लव इट। तो चलिए मैं, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
प्लीज वो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करके और बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को 9:59 को। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू।